मुझे लगता है कि ये अब भाभी से दूध मांगने लग रही है। तो ये देखें, उसे बुला रही है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें और जितनी भी जिनकी परेशानियाँ हों अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें। इन्हीं दुआओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी बस अभी शाम का टाइम है तो मैं बाहर आया हुआ हूँ खेतों की तरफ। तो देखें माशाल्लाह से पीछे किस तरह का माहौल है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। तो यही तो गांव की खूबसूरती है। तो अभी इंशाल्लाह मैं घर चलता हूँ, फैसल से भी मिलते हैं और कुछ काम मैंने करना है। वो कुछ टैलें पर भी हुई थी वो टॉय के अंदर, तो वो निकाली हैं, उसको भी पूरा करना है और इंशाल्लाह और काम भी करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाली है, तो आप सब ने आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो अभी बस देखें ये घास है, तो ये फूल हैं बहुत प्यारे प्यारे देखें। तो ये राय के फूल हैं, तो सालन भी पकता है इनका, लेकिन कम पकाते हैं लेकिन पकता है। कोई कोई तो बहुत शौक़ से खाते हैं, अम्मी पकाती है, लेकिन हम जो है ना वो पत्तों का पकाते हैं, जो गंदलों का साग होता है ना वो हम बनाते हैं। तो फूल भी आ जाते हैं थोड़े बहुत उसके अंदर, लेकिन यानी कि अकेले फूलों का सालन हम नहीं बनाते। तो अभी बस ये इट्टे पड़ी हुई हैं, तो ये मैंने इकट्ठी की हैं, कोई कहाँ पर पड़ी हुई थी कोई किस तरह, तो सारी इकट्ठी करके अब इस जगह पर जो है ना इनका ठल्ला लगा देंगे और जो है ना ये साफ़ सुथरी जगह कर देंगे, फिर यहाँ पर लकड़ियाँ रखेंगे। तो अभी बस अब मैं घर आ गया हूँ, तो फैसल भाई के पास, फैसल देखें रस्से के साथ खेल रहा है। फैसल क्या हाल है, ठीक हो? ये क्या है, ये क्या निकाला हुआ है? तो इसने जो है ना कोई रस्सी पकड़ी हुई है, उसके साथ ये खेल रहा है। अम्मी कहाँ पे है, हैं फैसल अम्मी कहाँ पे है? ना अम्मी है ना अफाना है, कहाँ पे चले गए हैं सब? घर बैरान पड़ा हुआ है, बस फैसल शहजादा एक खड़ा हुआ है बस, हैं? फैसल की मूछें भी बड़ी बड़ी हो गई है, नाई नहीं आया। मेरे ख्याल में आज बुध है तो वो जुम्मा वाले दिन आता है, तो इंशाल्लाह नाई की इंतज़ार है आएगा ना। फिर फैसल की हजामत भी बनवानी है और इसके बाल भी कटवाने हैं। तो अभी बस देखें इस टॉय के अंदर पहले इट्टें पड़ी हुई थी टैल की, तो वो हमने सब इट्टें निकाल के यहाँ पे लगा दी हैं देखें। तो ये अम्मी ने जो है ना कंबल धो के रखे हुए हैं यहाँ पर, तो अब ये इट्टें जो है ना निकाली हैं, तो अब इसको पूरा करना है। तो ये जगह साफ़ सुथरी बना के ना, तो फिर दोपहर के टाइम यहाँ पर फैसल को बिठाया करेंगे। तो अभी बस देखिए अब मैं कस्सी ले आया हूँ, तो इस टॉय को जो है ना मैंने पूरना है, तो अभी शुरू करता हूँ। तो है तो काफ़ी जो है ना ये गहरा, तो टाइम तो लगेगा, कपड़े भी ख़राब होंगे, अब तो साथ भी महंगा हो गया है, अब मैं धो के भी नहीं देती। तो इसको इधर ये बांध देता हूँ क्योंकि कपड़े ख़राब नहीं करना ना। ये देखें अब मैं शुरू करता हूँ। तो अभी बस देखे मेरा पेयर स्लिप हुआ है, तो मैं जो है ना नीचे गिर गया हूँ, तो अम्मी ने मुझे जो है ना हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो अब मैं इसे पूरा करता हूँ।
चलो अम्मी आप अपना काम करो, सब्जी बनाओ, सालन पकाओ। पैर पे ध्यान कर, देख मिट्टी के कपड़े ना ध्यान कर, अपना संभाल के काम कर। वैसे भी मैंने और पहनने हैं काम, कल तक तो पैसे तो मैं किन धोक देनी। हाँ, इस वजह से तो मैंने जो है ना अपना वो किया हुआ है, इनको बचाया हुआ है कि ये खराब ना हो। चलो ध्यान से काम कर। अभी जाना कुछ मिट्टी इसके अंदर डाल देता हूँ। हाँ वो भी वो डाल दूंगा, कुछ अभी डाल देता हूँ, कुछ फिर सुबह जाना। एक दफा से ये नहीं होगा ना। हाँ मैं अम्मी उठा लेता हूँ, मैं कर लूंगा, आप जाए अपना काम करें। तो अभी बस ये देखें, कसी पे काम करना भी बहुत मुश्किल है। तो जो बंदा नहीं करता ना वो जल्दी थक जाता है, जो रोज करता है ना उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन जो है ना आधा भून दिया है। मैं क्या करूं? तो अब खाना भी आ गई है। ये तो हंस रही थी जब मैं गिरा हूँ ना, तो मुझे तो अम्मी ने बचा लिया। मैं क्या करूं? मैं ये देखिए मैं टोया पोया कर रहा हूँ। मुझे किस लिए बुलाया है? मैंने आपको तो नहीं बुलाया। मैं जाओ? हाँ जाओ, आपने क्या करना है? आपने मुझे बुलाया क्यों है? मैंने तो कहा आओ देखो कि मैं कैसे जाना इसको को पूरा कर रहा हूँ, बताओ। मैं आप ठीक हूँ? हाँ चेक करो ना फिर, अब इसे पूरा करें या ना करें बताओ। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो तो वो चली गई है, वो जल्दी में पता है किस वजह से वो जल्दी में है, उसकी चाय बन रही है, वो आज वो आगे भी नहीं आई। तो चाय तो वो बस पीती है, तो अभी चाय बना रही थी तो मैंने उसको बुलाया है, मैंने कहा अफाना आओ देखे मैं जो ना टोया पोया कर रहा हूँ, तो आप आए देखें। तो कहती है क्यों बुलाया है? तो अभी बस देखे अब मैं आ गया हूँ, मैं खड्डा मैंने आधा तक अभी बन पो लिया है, फिर कल पोलूँगा उसे। तो आप क्या कह रही हैं अब? मैं तो पालक फिक्र। अच्छा अम्मी बना रही है पालक आलू, तो ऐफाना क्या कह रही है? वहाँ पे तो ये गई है, ऐसे बहुत जल्दी थी, इसने तो पूरी बात ही नहीं किया, वापस चली आई है। तो मुझे लगता है ऐसा है कि ये चाय बना रही है, मैं चेक करता हूँ। अच्छा मुझे पहले भी पता था कि ऐफाना चाय बनाने लगी है, तो चाय की तैयारी है अब। अच्छा अभी पी तो है, एक घंटा पहले हमने पी है। कलेजे भी हैं? कलेजे? चाय के अंदर कलेजे डाले जाते हैं। तो बस देखें अम्मी जो है ना पालक बना रही है, अभी साफ कर रही हैं, इसे साफ करके उसके बाद कटाई करेंगी, उसके बाद उबालेंगी, तो फिर पानी नचो के फिर जो है ना भुनी लगाएंगे, तड़का लगाएंगे, आलू प्याज सब मसाले डाल कर, तो फिर पालक भी डाल देंगे। तो बहुत अच्छा सालन पकता है, अगर मेथरा हो ना मेठी तो वो फिर जो है ना ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। नहीं पालक मेथी मिक्स करके बनाए ना फिर अच्छी बन जाती है। हाँ तो वो इंशाल्लाह फिर तो इंशाल्लाह वो फिर बना लेंगे। अभी भी वो चाय बना रही है अपने लिए। हाँ तो अभी बस देखे फैसल भाई खड़े हुए हैं, तो ये जो है ना रस्सी के साथ अभी तक खेल रहे हैं। फैसल के लिए कोई खिलौने हो ना फैसल खेले, तो इंशाल्लाह कोई खिलौने लेंगे। ये घोड़ा है, इससे तो खेलता ही नहीं है, पहले पहले खेलता था, मंथ दो मंथ इसके साथ खेला है, फिर अब इसके साथ नहीं खेलता। ना 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 ना
मुझे लगता है कि ये अब भाभी से दूध मांगने लग रही है। तो ये देखे उसे बुला रही है। नहीं देना इसे दूध, नहीं देना। नहीं है उनके पास दूध, नहीं है। तो भी बस अब अजानें होने लगी हैं, तो वीडियो का एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।